मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ राजकोट की संडे मार्केट। जी हाँ गाइस, ये संडे मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी प्राइस है। और मैंने बहुत बार मैं सुनता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे दाम में मिल जाता है सब कुछ, तो फर्नीचर का हो गया, कैमरा, सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, साइकिल भी मिल जाएगी अच्छे दाम में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितनी कितनी अच्छी अच्छी प्राइस है। पहली बात, इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा संडे मार्केट एक्सप्लोर नहीं करा सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना कि इसके बहुत बहुत सारे वीडियो बनेंगे, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी जितना हो सके उतना मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप भी एक बार इधर जरूर आना। मैं आपको चलो दिखाता हूँ कि ये पूरा मार्केट कितना बड़ा है, और पार्ट टू में मैं आपको सब कुछ और भी दिखाऊंगा कि जो भी इसमें बाकी है वो पार्ट टू में, और पार्ट टू में जो भी बाकी होगा वो पार्ट थ्री में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस आप एक चीज मिस कर रहे हो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब। अभी हमारे हो चुके 703, हम 1000 के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन ठोक दो और लाइक। मैं अभी आया हूँ साइकिल की शॉप पे, और गाइस यहाँ पे आपको छोटी से लेकर बड़ी तक साइकिल मिल जाएगी। तो चलो आंटी से पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी रेट है, यहाँ पे छोटी से लेकर बड़ी साइकिल की रेट कितनी है। 1200 रुपये की है, 1500 रुपये की है, 2000 की है, 2500 रुपये की है, 3500 रुपये की है, अने 1500 रुपये की है, 1000 वाली है, बरोबर। तो गाइस यहाँ पे आंटी ने बोला 1500 की, 1200 की, 500 की, बहुत सारी यहाँ पे साइकिल हो रही है, मिल रही है, और शोरूम से तो अच्छा ही यहाँ पे रेट आपको यहाँ पे अच्छी खासी कंडीशन में मिल जाती है, कोई ब्रेक टूटी फूटी नहीं, सब कुछ शोरूम ही जैसा, लेकिन यहाँ पे धूल मिट्टी थोड़ी लगी होती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ साफ करनी पड़ेगी। तो गाइस ये तो एक ही शॉप है, अभी मैं आपको आगे आगे जाके दिखाता हूँ कि इधर उसमें उसमें कैसी कैसी रेट है, वहाँ पे भी डिस्काउंट देते हैं या नहीं। ये शोरूम जैसी है यहाँ पे 1500 रुपये में मिल जाती है। जी हाँ गाइस, मैंने ऐसी 7000 में ली थी एक साइकिल। जी हाँ गाइस, यहाँ पे एक एंटिक शॉप पे आया हूँ, जिस पर मेरी नजर गई टेलीफोन पे। जी हाँ गाइस, ये टेलीफोन मेरे जमाने में तो पहले था ही नहीं, अब मेरे को पहली बार देखने को मिला, और अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया। तो गाइस मेरे को ये देख के पुरानी याद आ गई। हेलो, हेलो, हेलो। गाइस इस अंकल ने वॉच पहन ली है, वो 2.5 लाख की है, उबलोट की वॉच आप देख सकते हो। और ये तो शायद रोनाल्डो भी पहनता है 2.5 लाख की वॉच। 2 लाख ये कितने की बेच रहे गाइस? ये वॉच 2 लाख की बेचनी है, 2.5 लाख से 2 लाख। क्या से क्या फायदा होगा, ये 90000 की 60000 देने का। तो गाइस ये 90000 की वॉच। तो गाइस चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या है और कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, लैपटॉप है, फ्रिज है, फिल्टर है, बहुत सारी चीजें है। तो चलो इसका रेट पूछते हैं, चालू है बंद है वो मेरे को नहीं पता, तो फिर भी रेट पूछ ही लेते हैं।
छः हजार रुपया बोला था बंद है, अरे 2000-3000 आएगा तो दे देता हूँ। फ्रिज का 4000 ये चालू है, कंप्लेन है। कौन सी आइटम एलईडी टीवी है, चालू है 4000 रुपया कंपनी ओरिजिनल। तो गाइस टीवी की प्राइस 4000 रुपया, फ्रिज की प्राइस 5000 रुपया, बहुत सारी प्राइस आपको कम कर देंगे। जी हाँ गाइस, तो चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आपको भाव कराना अच्छे से आता हो तो ही इस मार्केट में आना। सबसे पहले आपको बहुत सारा मतलब ज्यादा भाव बोलते हैं, फिर कम कर देते, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा सा डिस्काउंट देंगे, आपको 15000 से 5000 कर देंगे। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारा फर्नीचर का माल है। तो चलो अभी अंकल से पूछते हैं कि यहाँ पे कितनी प्राइस है फर्नीचर की। तो चलो पूछते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे टेबल है, तो चलो पूछते हैं इसकी प्राइस। हाँ ये वाला 5000 का है और ये शायद से 6000 वाला है। हाँ ये 6000 वाला है बड़ा सा टेबल, और उससे बड़ा जो टेबल है वो 7000 का है। ओ गाइस आप सोच रहे हो कि मैं इसमें उल्टी सीधे आवाज क्यों है, क्योंकि मेरा माइक उस वक्त पे बंद हो चुका था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो चलो गाइस मैं आपको कुछ आगे दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक मशीन मेरे को दिख रही है जो कि जिम की है। आप जिम में नहीं जाना चाहते तो इस मशीन को घर ले जाकर बैठे बैठे इस पे जिम कर सकते हो। तो गाइस ये मशीन यहाँ पे मिल भी रही है। तो गाइस आप सामने झूला भी देख सकते हो, ये भी बेचने का है। तो गाइस आपको यहाँ ओल्ड न्यू कपड़े भी मिल जाएंगे, जैसे कि बच्चों के हो गए, लेडीज के हो गए, बॉयज के, सबके कपड़े यहाँ को आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हो अभी वीडियो में कि यहाँ पे अभी पथारा भी भराया है, बहुत सारे कपड़े, शॉर्ट टी शर्ट, चंपल भी है गाइस आपको यहाँ पे, जूते। तो गाइस मैं चलते चलते इधर आया तो मेरी नजर कबाट पे पड़ी, एकदम नए जैसे शोरूम में नहीं मिलता। हाँ वैसे ही है, मैंने इसकी प्राइस तो नहीं पूछी, लेकिन ये आपको शायद अच्छे दाम में मिल सकते हैं। जी हाँ गाइस। तो गाइस मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि यहाँ पे ज्यादातर भंगार जैसी चीज मिलती है, जो जो सच है वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ आ सकते हो, क्योंकि ये बाजार बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर गाइस आपको यहाँ पे एक चीज लेनी है तो आपको बहुत ही ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको टीवी ढूंढना है तो आपको इधर उधर जाना पड़ेगा। और गाइस आप एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना कि आपके पॉकेट में जो जो चीज है वो हाथ में लेके घूमना, क्योंकि यहाँ पे चोरियां बहुत होती है। ओके आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस मैंने आपको आधा से आधा संडे मार्केट विजिट करवा दिया, अभी मैं बाकी का जो है वो अगले संडे पार्ट टू में दिखाऊंगा। और गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रुको रुको गाइस, अभी आप गए नहीं है ना, गए नहीं हो ना, वीडियो में ही रहना ठीक है। मैं इसको आपका एड्रेस देना तो भूल ही गया, आजीडीएम चौकड़ी के पास भावनगर रोड पे है ये संडे मार्केट। जी हाँ गाइस, तो मैं मिलते हूँ आपको इसके पार्ट टू में, तक के लिए बाय बाय।